एयर इंडिया के हालात फिलहाल में कुछ सही नहीं है। बिगड़े हालात के कारण सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण की बात कही थी। हाल में एयर इंडिया सरकार से मिले पैकेज के दम पर अपना काम कर रही है, लेकिन अब टाटा ग्रुप ने कर्ज में डूबी हुई एयर इंडिया को बेहतर बनाने और उसमें हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया लंबे समय से घाटे में चल रही है, जिसको लेकर काफी सुझाव भी आ रहे हैं। एयर इंडिया को फिर से बेहतर स्थिति में लाने के लिए सरकार कई तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है। वैसे सरकार की तरफ से और टाटा ग्रुप की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक टाटा ग्रुप एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी करके घर वापसी कर सकती है। वैसे सन 1932 में ये कंपनी टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू की गई थी। बाद में इस विमानन कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल में कंपनी के हालात कुछ सही नहीं है और वर्तमान में कंपनी पर 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी के हालत को बेहतर बनाने के लिए टाटा अब एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी करके घर वापसी कर सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।